हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पार्ट टू सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, अब मैं आपको एक चीज़ कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ कि मुझे नहीं लगता आपको इंग्लिश करने की ज़रूरत पड़ेगी और कहीं किसी जगह से। ये इतना अच्छा और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं जो होने वाला है। बेसिकली ये आपकी टाइम मैगज़ीन है जो, ठीक है, टाइम का जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसमें जो कैट के बच्चों के लिए इंग्लिश होती है और जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, मैं उस सारे ज़रिए द्वारा आपको पढ़ाऊंगा। सी गाइस, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें बच्चों को कराते हैं कि कुछ रूल करा दिए, गोल्डन रूल्स, ये रूल्स, ये अलाना ढिकाना, और फिर कुछ एक दो एक्सरसाइज करा देते हैं और ये करते हैं। देखो गाइस, वो सही है, मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहूँगा, पर आपका जो बेसिक है और जो आपको चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको वो पता है तो आप कुछ सेकंड ही लोगे जो आप अपना आराम से क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे इंग्लिश में। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको रूल्स पता हैं, उसके साथ साथ आपको कुछ कंसेप्ट पता है कि कैसे है, क्या है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आप लोगों के लिए। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो मेरा यही है कि मैंने आपको ऑलरेडी इंग्लिश के लिए शॉर्टकट्स की मैंने प्लेलिस्ट है, वो आपको देख, आपने देख रखी होगी, आपने पढ़ी होगी उसमें से। उससे ज़्यादा कोई शॉर्टकट्स आई डोंट थिंक सो होंगे। उसके अलावा कुछ बेसिक भी है। और मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, जब मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया था, तब मैंने आपको कहा था कि मैं तीन तरीके से इसको लूँगा। देखो, मैं हिंदी वोकैबलरीज आपको करा रहा हूँ, ठीक है, उसके साथ साथ मैं ईडियम वन वर्ड ले आऊँगा आपका, जो कि यार देखो जो प्रीवियस ईयर है वो सब पढ़ते हैं, ठीक है, किताबों से और हर जगह से, तो उसकी कोई इशू नहीं होता। पर जो मेन इशू होता है, जो करंट में ईडियम्स और ये सब आते हैं, बच्चे करंट में वोकैब 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 करते रहते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि ईडियम्स हो गए, वन वर्ड्स हो गए, फ्रेजेस हो गई, वो भी करंट अफेयर से ही आती है। तो मैं वो करा दूँगा आपको जून से लेके अप्रैल तक के जितने भी हैं, ठीक है। वोकैबलरी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, आपने वीडियोज़ देख ली होंगी शायद। और उसके अलावा ये इंग्लिश के हैं गाइस, इतने आए नो, इतने व्यूज़ नहीं है, पर मैं आपको कहता हूँ कि जितने ने भी ये वीडियोस देखी है उनका डेफिनेटली फ़ायदा होगा और अच्छा स्कोर कर पाएंगे वो इंग्लिश में। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों का थोड़ा रहता है कि यार इंग्लिश मेरी थोड़ी कमज़ोर है और ये वो, तो आप यहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। उसके बाद मैं आपको एक एक टॉपिक कराऊँगा, उसके बाद एक एक्सरसाइज कराऊँगा जो कि आपका थोड़ा कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ, बहुत बातें हो गई है, ठीक है। तो पहला चैप्टर है आपका नाउन के ऊपर, तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। सो गाइस, पहला है आपका करेक्ट यूजेस ऑफ नाउन्स। इसमें मैं आपको सारे प्रकार के नाउन्स क्या है, कैसे है, हर चीज़ इसमें मैं आपको बताऊंगा। और आप बोलो तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सही है, इम्पॉर्टेंट है, इसमें हर चीज़ कवर अप होगी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला है आपका करेक्ट यूजेस ऑफ नाउन्स। तो गाइस, पहले मैं आपको बताता हूँ कि नाउन्स होते क्या हैं, ठीक है। नाउन बेसिकली इज़ अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है, नाम हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, एनिमल, कंसेप्ट, ट्री, वर्क, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये नाउन्स हैं, ठीक है। कुछ प्रकार के नाउन्स होते हैं जिसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहला होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है गाइस, एक नेम गिवन इन अ कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास इज कॉल्ड कॉमन नाउन। मतलब बिल्कुल कॉमन, लाइक सिटी, स्टेट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉमन नाउन। हैदराबाद इज़ अ बिग सिटी, शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ अ बैड गर्ल, ठीक है, राम इज़ अ बॉय, तो ये जो सारी चीज़ होती है बहुत कॉमन होती है, तो इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। फिर होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और अ प्लेस। लाइक हैदराबाद एक अलग प्लेस है, ठीक है, उड़ीसा अलग है, ठीक है, तो ये होता है। लाइक किंग सोलोमोन वाज अ वाइस किंग, ठीक है। तो यहाँ जो किंग सोलोमोन है वो एक अकेला बंदा है, तो ये प्रॉपर की बात हुई है, एक की बात हुई है। सिमिलरली कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट, तो कालिदास की बात हुई, तो ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। कालिदास हो सकते हैं बहुत सारे, पर कालिदास जो कि पोएट है उसका होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और होते भी होंगे तो उनका हमें पता नहीं, बिकॉज ये कालिदास जो है ये बहुत फेमस हैं, ठीक है, तो हर किसी का नहीं होता। उसके बाद आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है गाइज, इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग्स टेकन टूगेदर एंड स्पोकन एज अ वन। मतलब कि कलेक्टिव नाउन में मतलब ये होता है कि
हम एक बंच के साथ पूरा हम एक नाम लेते हैं, लाइक ए हर्ड ऑफ कैटल्स, ठीक है, इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. तो ये कैटल का पूरा झुंड है. जब हम झुंड की बात करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स और किसी चीज़ के जो बहुत सारी मात्रा में होते हैं उनका नाम, उनका हम यूज़ करते हैं, तो हम ये कलेक्टिव नाउन यूज़ होता है. जैसे कि हर्ड्स हो गए और आपके ट्रूप्स हो गए, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है. उसके बाद है बंच ऑफ कीज इज़ ऑन द टेबल. तो यहाँ पे कीज का बंच, गुच्छे की बात हो रही है, तो इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है. उसके बाद है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है गाइज द नेम ऑफ अ क्वालिटी ऑफ अ स्टेट ऑफ अ माइंड और स्टेज ऑफ अ लाइफ, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है मतलब कि जो नाउन को आपकी क्वालिटी बताता है, लाइक काइंडनेस इज अ वर्च्यू, चाइल्डहुड इज द हैप्पीएस्ट स्टेज ऑफ वंस लाइफ, ठीक है. द नेम ऑफ अ क्वालिटी, किसी भी क्वालिटी का, स्टेट ऑफ माइंड का, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है. काइंडनेस, चाइल्डहुड, ये सारे वर्ड्स, ओके. फिर आपका मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन होता है गाइज आपका ऑल दूज नाउन्स विच आर यूज टू रेफर टू मेटल्स एंड मटेरियल. कोई भी मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, ओके, हाउसेज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, ये सारी चीज़ जो होती है ये आपके मटेरियल नाउन में यूज़ होता है, क्योंकि ये मटेरियल ही है, ठीक है. तो ये हो गया आपका मटेरियल. एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्वालिटी. और फिर उसके बाद आपका कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन और सिंपल नाउन, ठीक है. अब ये आपका मैं आपको बताता हूँ इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल. गाइज इसका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, ठीक है, काउंटेबल कौन से है, नॉन काउंटेबल्स, नॉन काउंटेबल्स, ये क्या है क्या नहीं, तो इसका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. काउंटेबल्स नाउन वो नाउन्स होते हैं जिसमें हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, बॉय, वन बॉय, टू बॉयज, प्लूरल हो गया, थ्री बॉयज, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं. द क्लासेस ऑफ नाउन्स नोन एज कॉमन नाउन्स, ये जो नाउन्स हैं ये कॉमन नाउन्स हैं, बॉय, टेबल और ये सब. और कलेक्टिव में आपको मैंने अभी बताया था फ्लॉक, रेजिमेंट, क्राउड, ट्रूप, हर्ड्स, ये सब यूज़ होता है, ठीक है. फिर है अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल होता है गाइस जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. अनकाउंटेबल नाउन्स नेम थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, ओके. द क्लासेस ऑफ नाउन्स नोन एज मटेरियल नाउन. तो काउंटेबल जो में, काउंटेबल में जो नाउन होते हैं मैक्सिमम, वो आपके कॉमन होंगे या कलेक्टिव होंगे, और जो आपके अनकाउंटेबल में होंगे वो आपके मटेरियल होंगे और एब्स्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स काइंडनेस, गुडनेस, ये सब, और मटेरियल में, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि ये अनकाउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल नाउन फॉल इन टू द फॉलोइंग ग्रुप्स, ठीक है. अब जैसे कि मटेरियल है, अब यहाँ इस ये जो पांच पॉइंट, ये एक दो तीन छः सात पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आ जाता है और फिर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार काउंटेबल है, नॉन अनकाउंटेबल है, तो ये चीज़ है, ठीक है. अब अनकाउंटेबल में क्या क्या होता है, थिंग्स विच आर कंसिडर्ड इन मास और क्वान्टिटी और नॉट इन नंबर, ठीक है. पहली चीज़ जिसको हम क्वांटिटी और उसमें मेजर कर सकते हैं पर नंबर में नहीं, लाइक चीनी, नमक, हेयर्स, हम अपने बालों को काउंट नहीं कर सकते, और डस्ट, कितनी मिट्टी है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम उठाते हैं तो ये क्वांटिटी होती है, ये क्वालिटी, ये आपके नंबर में नहीं होता. तो इन चीज़ों को पहले तो हम अनकाउंटेबल होता है, ठीक है. दूसरी चीज़, लिक्विड, वाटर, मिल्क, ऑयल, इंक, हनी, फ्लूड, कुछ भी, ये भी आपका अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि हमें इसका अमाउंट पता चलता है कितना लीटर है क्या है, पर हम इसका नंबर नहीं देख सकते, ठीक है. सिमिलरली गैसेस, ऑल टाइप ऑफ गैसेस, ओके, स्ट्रीम, मीस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एयर एक्सेट्रा, ठीक है. अब मटेरियल में, ये मटेरियल जो होते हैं इनको हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक वुड. अब वुड है आपका, ठीक है. अब ये नहीं कि आप वुड के अलग अलग पीसीज को गिनो, वुड है सिंपल, एक वुड कोटा हो तो उसमें कितना वुड है हम ये बता सकते हैं, इतना परसेंट है, ये है, वो है, पर हम नंबर नहीं बता सकते. सिमिलरली क्लोथ है, कितना कपड़ा लगा है, ठीक है. और हम ये चीज़ें हो गई, सिल्वर हो गया, गोल्ड, इन सब का हम नंबर और क्वांटिटी तो मेजर कर सकते हैं, आई मीन मास और क्वांटिटी, पर हम इसका नंबर नहीं मेजर कर सकते, ठीक है. सिमिलरली नेचुरल फिनोमेना जो होते हैं आपके, ठीक है, जो खुद से होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग, हीट, कोल्ड, इसको हम नहीं नाप सकते, ठीक है, नंबर्स में. फिर उसके बाद होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब वही, करेज, हैप्पीनेस, फ्रीडम, अटेंशन, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, इंजॉयमेंट, गुडनेस, कुछ भी, ठीक है, मतलब स्टेट ऑफ आइडियाज और एक्शन, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फिर है उसके बाद ब्रांच ऑफ लर्निंग, लाइक इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते नंबर में, ओके, ब्रांच ऑफ लर्निंग को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके. फिर उसके बाद क्या है, देखिए, These are some uncountable nouns which we refer to be in parts. Okay.
when we do so, we use them with expressions such as a pieces of, a grains of, okay, a kilos of. Here is a such expressions. ठीक है, हम इनको इन expressions के साथ use करते हैं, like a piece of chalk, a cake of soap, a block of ice, a piece of advice, a log of wood, loaf of bread, piece of furniture, piece of information. ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से use करते हैं. ठीक है, और ये plural form में होते हैं guys. ठीक है, तो कभी इनके आगे हाँ s नहीं लगेगा. ठीक है, like pieces of chalk, cakes of soap, तो ये प्लूरल में यूज़ होते हैं, अनकाउंटेबल में. ठीक है, तो इसके साथ हम कभी भी ये एस नहीं लगता इसके आगे. ठीक है, जब भी हम इसके साथ है पीस ऑफ, ग्रेन ऑफ, किलो ऑफ, कुछ भी लगाए. ठीक है, तो ये आपके हैं कुछ अनकाउंटेबल, तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा. ठीक है, उसके बाद है प्रॉपर नाउन्स आर नॉट कैटेगराइज एदर एज काउंटेबल. जो प्रॉपर नाउन होते हैं लाइक बॉय, राम, ये वो, ठीक है, गर्ल, तो इसको हम काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ नहीं वो कर सकते कैटेगराइज. ठीक है, तो ये सारे चीज़ें थी आपकी बेसिकली. ठीक है, काउंटेबल सिंगुलर लेता है आपका, अनकाउंटेबल प्लूरल, प्लूरल में आपका ये पीसेज ऑफ, ये एस नहीं लगता यहाँ पे. ठीक है, केक्स ऑफ सोप में जैसे यहाँ है. फिर आगे बढ़ते हैं, रूल वन, पहला रूल है यही. ठीक है, ए प्रॉपर नाउन बिकम्स अ कॉमन नाउन व्हेन इट इज़ यूज इन द प्लूरल फॉर्म. ठीक है, प्रॉपर नाउन जो होता है, जब उसको हम बिकम्स अ कॉमन नाउन, जबकि वो कॉमन नाउन बन जाता है, तब हम व्हेन इट इज़ यूज इन प्लूरल फॉर्म व्हेन एन आर्टिकल इज प्लेस बिफोर इट. ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है, जैसे देखिए, देयर आर फाइव गांधीज इन अवर कॉलेज. विजय कुमार इज़ द मिल्टन ऑफ अवर योर कॉलेज. कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. कहना क्या चाहता है कि जब कोई प्रॉपर नाउन जो होता है लाइक गांधी, मिल्टन और शेक्सपियर, ठीक है, ये कॉमन नाउन बन जाते हैं कि बहुत सारे हैं. ठीक है, फाइव गांधी हैं, विनय कुमार, मिल्टन है, कालिदास, शेक्सपियर है. ठीक है, तो व्हेन इट इज़ यूज इन द प्लूरल फॉर्म. ठीक है, और व्हेन एन आर्टिकल इज प्लेस बिफोर इट, तो प्रॉपर नाउन जो है वो आपका कॉमन नाउन बन जाता है जब हम इसके आगे आर्टिकल यूज़ करते हैं, या ये जब प्लूरल फॉर्म में होता है. जैसे कि यहाँ देखिए, देयर आर फाइव गांधीज इन अवर कॉलेज. ठीक है, यहाँ पे ये जो है आपका प्लूरल फॉर्म है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में आपका चेंज हो गया है. ठीक है, सिमिलरली विजय कुमार इज़ द मिल्टन ऑफ योर कॉलेज. यहाँ पे देखिए, ये आर्टिकल लग गया है, दा आ गए, तो इसलिए चेंज हो गया है. और सिमिलरली कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इसमें भी दा लगा है, आर्टिकल लगा, इसलिए चेंज हो गया. अब आप कहोगे कि सर इसका क्या यूज़, पर इसका यूज़ होता है जब आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं. जैसे कोई सेंटेंस दे दिया, विजय कुमार आर द मिल्टन ऑफ योर कॉलेज, कि कुछ भी किसी भी तरीके का आपका आ सकता है सेंटेंस. ठीक है, हार्ड से हार्ड, इजी से इजी, तो उसके ऊपर होता है कि बेसिकली प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन तब बन जाता है जब आगे आर्टिकल्स लगे हों या प्लूरल नाउन हो. ठीक है, ए कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. कहीं आप सोचो कि कलेक्टिव है, प्लूरल होगा तो प्लूरल लेगा, पर ऐसा नहीं होता. जब हम बहुत सारी भीड़ को, कहते हैं ना भीड़ की शक्ल नहीं होती. ठीक है, तो इसलिए, क्योंकि हम उसको एक ही चीज़ में बोलते हैं कि हाँ भाई मॉब है. ठीक है, हम उसको अलग अलग उसमें नहीं डिफाइन करते. तो एक कलेक्टिव जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है. लाइक द कमिटी कंसिस्ट ऑफ फाइव मेंबर्स, द फैमिली लिविंग नेक्स्ट डोर हैज़ कम फ्रॉम मद्रास. फैमिली लिविंग नेक्स्ट डोर, पूरी फैमिली हैज़, यहाँ पे सिंगुलर यूज़ हुआ है. ठीक है, नोट करना है यहाँ पे, इफ़ वी रेफर टू द मेंबर ऑफ द कमिटी और फैमिली सेपरेटली, द कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब. बट इफ द कलेक्टिव नाउन रिमेन सिंगुलर इन फॉर्म, जैसे कि द कमिटी हैव टेकन देयर सीट्स. ठीक है, तो यहाँ पे हैव इसलिए लगा है क्योंकि सबके अलग अलग बात हुई है. जैसे कि द कमिटी हैव टेकन देयर सीट्स. ठीक है, तो आपकी क्या है कि आप पूरी कमिटी है उसके अलग अलग बंदे की बात हुई कि पूरी कमिटी के जितने भी मेम्बर्स हैं Have taken their seats, इस वजह से. ठीक है, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं इसमें थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, जैसे कि द कमिटी कंसिस्ट ऑफ फाइव मेम्बर्स, द फैमिली लिविंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. पर इफ वी रेफर टू द मेम्बर ऑफ द कमिटी और फैमिली सेपरेटली, जब हम अलग से, इसमें कोई मेम्बर्स नहीं लिखा हुआ इस एग्जाम्पल में, पर यह एक साउंड कर रहा है कि कमिटी हैव टेकन देयर सीट्स, मतलब जितने भी मेम्बर्स हैं कमिटी के हैव टेकन देयर सीट्स, तो इस टाइम पर हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए टेक्स प्लूरल वर्ब, बट इट द कलेक्टिव नाउन रिमेन्स सिंगुलर इन फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, फिर रूल थ्री में आते हैं गाइस.
एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन ऑल्सो बी यूज एज कॉमन नाउन बाई प्लेसिंग एन आर्टिकल बिफोर इट. जैसे कि आपका प्रॉपर नाउन जो है उसको हम चेंज कर देते हैं कॉमन नाउन में, वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम कॉमन नाउन में चेंज कर सकते हैं उसके आगे आर्टिकल लगा कर. लाइक रजनी इज अ ब्यूटी, ठीक है, इसको हम कर दिया रजनी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, तो ये कॉमन नाउन हो गया. ठीक है, फिर है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन आल्सो बी यूज इन द सेंस ऑफ अ कलेक्टिव नाउन. एब्स्ट्रैक्ट को जो कि एक फीलिंग है या कुछ भी है उसको हम कलेक्टिव नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं. व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज एज अ कलेक्टिव नाउन इट टेक्स प्लूरल वर्ब. ठीक है, जैसे कि यूथ आर द पिलर्स ऑफ द नेशन. ठीक है, अब यहाँ यूथ है, ये कलेक्टिव नाउन है. ठीक है, आर द पिलर्स ऑफ द नेशन व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज एज अ कलेक्टिव नाउन. ठीक है, अब यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको हम कलेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं यूथ को. ठीक है, तो यूथ जो है आर द पिलर्स ऑफ द नेशन. ठीक है, व्हेन अ मटेरियल नाउन, आई होप आपको समझ आया होगा, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज एज अ कलेक्टिव नाउन इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कलेक्टिव नाउन की तरह यूज किया जाता है तो वो प्लूरल वर्ब लेता है. ओके, व्हेन एन मटेरियल नाउन डिनोट्स अ मास ऑफ मैटर इट इज़ नॉट यूज इन द प्लूरल फॉर्म. ठीक है, जैसे कि द हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स. जब भी कोई मटेरियल नाउन को हम डिनोट करते हैं मास ऑफ मैटर में, ठीक, लाइक कि वो किस किस चीज़ से बना है, तो तब हम कभी भी प्लूरल यूज़ नहीं करते, इट इज़ नॉट यूज इन द प्लूरल फॉर्म. जैसे कि देयर हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, तो इसकी जगह यूज होता है देयर हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड स्टोन. जब हम किसी मटेरियल नाउन का हम डिसाइड करते हैं, डिनोट करते हैं मास ऑफ मैटर में, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो कभी भी प्लूरल नहीं लेगा, वो हमेशा आपका सिंगुलर लेगा, ब्रिक एंड स्टोन. सिमिलरली नेक्स्ट रूल है, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म फॉर द प्लूरल एज वेल एज फॉर द सिंगुलर. द फॉलोइंग आर सम नाउन्स दैट बिलोंग टू द कैटेगरी. सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म फॉर द प्लूरल एज वेल एज फॉर द सिंगुलर. कुछ नाउन्स होते हैं जो कि सेम होते हैं प्लूरल के लिए भी और सिंगुलर के लिए भी, लाइक शिप, स्पीसीज, डियर, एयरक्राफ्ट, ऑफस्प्रिंग, योक, स्पेसक्राफ्ट, सलमोन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये आपके टीयर टू में आया था इस बार के, ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ बेसिक कंसेप्ट है क्या. ओके, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म. कुछ नाउन जो होते हैं उनकी सेम फॉर्म होती है प्लूरल में भी सिंगुलर में भी. अब आपको रटना पड़ेगा कि शिप हो गई एक, तो स्पीसीज हो गई, एयरक्राफ्ट हो गया, इस बार शायद यॉक पे आया था या ऑफस्प्रिंग पे आया था जहाँ तक मुझे याद है, एयरक्राफ्ट हो गया, ऑफस्प्रिंग हो गया, यॉक हो गया, स्पेसक्राफ्ट हो गया और सलमोन हो गया. ठीक है, अब सम नाउन्स आर यूज्ड इन द सिंगुलर ओनली. अब कुछ नाउन होते हैं वो बस सिंगुलर में ही यूज होते हैं. द फॉलोइंग्स आर सम नाउन्स दैट बिलोंग टू दिस कैटेगरी, लाइक एडवाइस. ठीक है, इसको प्लीज इसको आप देख लेना. ठीक है, शिप, स्पीसीज, डियर, शिप और डियर, ओके, स्पीसीज, एयरक्राफ्ट, ऑफस्प्रिंग, योक, स्पेसक्राफ्ट और सलमोन. सम नाउन्स आर यूज्ड इन द सिंगुलर ओनली, द फॉलोइंग आर नाउन्स. ठीक है, कुछ नाउन्स जो होते हैं जो सिंगुलर में ही होते हैं, लाइक एडवाइस, कम, ग्रेन, जस्टिस, क्लोथिंग, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी. ठीक है, तो जहाँ पे भी अब आपको इसमें दिक्कत लगे, लाइक कहीं भी आपको मशीनरीज दिखे, सीनरीज दिखे, तो वहाँ पे आपको झट से एरर पता लग जाएगा. ठीक है, तो ये कुछ हैं, एडवाइस, कॉम, ग्रेन, जस्टिस, क्लोथिंग, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, हेयर, तो इसके साथ भी हमेशा सिंगुलर रहेगा. लाइक एडवाइस, एडवाइस जो होता है वो नाउन फॉर्म में होता है, और एडवाइस जहाँ एस ई आता है वो आपका वर्ब होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा. लाइक द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर इज दैट आई शुड नॉट स्मोक. अब ये एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, तो ये नाउन है यहाँ पे. ठीक है, और द डॉक्टर एडवाइस मी नॉट टू स्मोक, यहाँ पे ऐसा है, तो ये वर्ब होता है आपका. ठीक है, सिमिलरली प्रैक्टिस जो होता है वो नाउन होता है, प्रैक्टिस जो होता है वो वर्ब होता है. ठीक है, देयर आर सम नाउन्स विच आर यूज ओनली इन द प्लूरल फॉर्म. तो ये कुछ नाउन्स हैं जिसके साथ सिर्फ प्लूरल फॉर्म यूज होता है, सीजर्स, ट्राउजर्स, बोवल्स, जेनिटल्स, प्रोसीड्स, ल्यूपिटल्स, डोलड्रम्स, शेयर्स, पेंटालूप्स, इंटेस्टाइन्स, आउटस्कर्ट्स, अर्निंग्स, थैंक्स, प्रीमिसेस, बाइसेप्स, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स. ठीक है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो अभी तक नहीं आए. ठीक है, सीजर्स और ट्राउजर्स, बोवल्स, इनके ऊपर आ रखा है, जेनिटल्स, प्रोसीड्स, ल्यूपिटल्स,
ये देखिए, डोल ड्रम्स के ऊपर आज तक अभी कोई ऐसा सेंटेंस बना नहीं है, ठीक है। रिचीज़ के ऊपर तो खैर बना है, जिमनास्टिक्स हो गया आपका, इंटेस्टाइंस, पेंटलून्स, सिमिलरली आपका गैलोज, तो इनके ऊपर बना नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर, इसके साथ जो भी सेंटेंस होता है गाइज, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म लेता है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, अगर इसके आगे जैसे भी कोई सेंटेंस है, इमेजिन करो उसके आगे अगर एक पेयर ऑफ सीजर्स लग गया, ठीक है, तो हमेशा याद रखना, तो वो फिर सिंगुलर हो जाता है, क्योंकि फिर वो एक कलेक्टिव नाउन की तरह हमें वो करता है कि ए पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है, तब वो आपका सिंगुलर हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सिमिलरली समोन्स, ये सिंगुलर होता है, और समोन्सिस जो होता है वो प्लूरल होता है। एग्जाम्पल्स, न्यूज़, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मिजल्स, मॉम्स, इथिक्स, ये सारे, ठीक है। और एक चीज़ और गाइज, जो भी सेंटेंस के एंड में ICS यूज होता है, लाइक फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, ठीक है, तो हमेशा याद रखना उसके साथ आपका सिंगुलर ही यूज होगा, ठीक है। पर अगर उसके आगे द, माई, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हैं आपके बैंकिंग में भी, ठीक है। अगर इसके आगे द, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सारे सेंटेंसेस, ये वर्ड्स यूज होंगे, तब ये प्लूरल फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। द फॉलो, ये जो कुछ नाउन्स है गाइज, ये आपको सिंगुलर लगेंगे पर एक्चुअली मेन के साथ प्लूरल यूज होता है। कैटल, पुलिस, पीपल, वर्मेन और पोल्ट्री, ठीक है। सिमिलरली व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स अ स्पेसिफिक अमाउंट, लेंथ, वेट, क्वांटिटी, कंसीडर एज द होल, द वर्ब मस्ट बी इन द सिंगुलर फॉर्म। 10,000 रुपीज इज अ लार्ज अमाउंट। अब यहाँ पे क्या है कि 10,000 रुपीज जो है वो एक अमाउंट को डिस्क्राइब कर रहा है, हमें पता है वो कितना है, तो इसलिए यहाँ सिंगुलर यूज हुआ है। जब कोई, ये वैसे प्लूरल है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, पर वो एक स्पेसिफिक अमाउंट को जब जस्टिफाई करता है तो वो आपका सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। सिमिलरली 6 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ रनर लाइक यू। अब 6 किलोमीटर एक प्रॉपर स्पेसिफिक, एक प्रॉपर लेंथ है जो हमें पता है, ठीक है, तो इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ होल, ओके। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स विच आर रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस, टेंडरनेस, वीकनेस एंड सो ऑन आर ट्रीटीज एज फेमिन जेंडर्स, ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है गाइज, जैसे कि जो भी खूबसूरती की बात हो, अच्छी चीज़ की बात हो ना, तो उसके साथ हमेशा आपका हर लगेगा, ठीक है। लाइक ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस, टेंडरनेस, वीकनेस और आपका ब्यूटी, कामनेस, तो इन सब के साथ आपका फेमिन जेंडर यूज होता है। और जहाँ बात होती है हार्श चीज़ों की, लाइक द मून, अब आप ये मत सोचना कि मून को हम बोलते हैं मतलब कि मून लड़की है या ऐसा कुछ, ठीक है। मून को जो होता है हम बोलते हैं वैसे चंदा मामा, ठीक है, हिंदी में, बट इट्स नॉट मामा, ये हम उसको, हम गर्ल की उसमें ही उसका यूज़ करेंगे। और सिमिलरली ये और एग्जांपल है, मून हो गया, अर्थ हमारी धरती हो गई, स्प्रिंग हो गए, वर्च्यू, पीस, चैरिटी, फेम, नेचर, होप, जस्टिस, मर्सी, पिटी, फॉर्च्यून, ट्रुथ, विक्ट्री, डिफीट, मोडेस्टी, लिबर्टी, ये सबको हम फीमेल जेंडर की तरह यूज़ करते हैं, जिसमें अच्छी चीज़ है। और जहाँ पे आ जाता है कुछ हार्श चीज़ लाइक स्ट्रेंथ, करेज, वॉयलेंस, सुपीरियरिटी, इन सब के साथ हम मेल जेंडर यूज़ करते हैं। हिम, हिज, द सन, द डेथ, समर में बहुत गर्मी होती है, विंटर, वॉर, एंगर, फेयर, थंडर, तो इन सब के साथ हम मेल जेंडर यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और नोट है गाइस यहाँ पे, द पोजेसिव केस ऑफ नाउन इज फॉर्म व्हेन वी पुट एपोस्ट्रोफी एस टू द नाउन। पोजेसिव केस ऑफ नाउन इज फॉर्म, पोजेसिव केस बन जाता है, द गर्ल्स ड्रेस, ठीक है, द बॉयज पेन, ठीक है। तो इस चीज़ का खैर आपको पता ही होगा, ये सेंटेंसेस जो होते हैं इसमें देख के पता चल जाता है, ठीक है। सिमिलरली जहाँ बात होती है गाइस, मतलब कि आपके लिविंग थिंग्स की और नॉन लिविंग थिंग्स की, उसमें भी एक ये यूज होता है। लाइक अब हाँ, जो नॉन लिविंग थिंग है लाइक टेबल्स लेग, तो हम यहाँ टेबल्स लेग यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट्स नॉन लिविंग थिंग, तब हमें यहाँ यूज़ करना होता है लेग ऑफ द टेबल, ठीक है। यहाँ हम टेबल्स लेग यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ यूज होते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं गाइस, और यहाँ पे जैसे द पोजेसिव केस इज इशू इज यूज विद द नाउन ऑफ लिविंग थिंग्स बट नॉट विद इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और इसी तरह द पोजेसिव इज यूज विद द नेम ऑफ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, बहुत ज़्यादा पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट लाइक डेथ्स आई सी हैंड्स, ठीक है। यहाँ पे डेथ्स आई सी हैंड्स मतलब इंसान की बात है, ठीक है। व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड इन एस द पोजेसिव केस इज फॉर्म, ठीक है, ये अच्छा रूल है, ठीक है। जब कोई नाउन जो होता है वो प्लूरल है और एंड हो रहा है एस से तो पोजेसिव केस फॉर्म होता है, लाइक गर्ल्स हॉस्टल प्लूरल है तो हम एपोस्ट्रोफी लगा रहे थे गर्ल्स हॉस्टल। सिमिलरली बर्ड्स नेस्ट, ठीक है। व्हेन द नाउन इज प्लूरल बट नॉट एंड इन एस द पॉजिटिव केस इज फॉर्म बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी और एस दोनों, लाइक मेन्स क्लब, चिल्ड्रंस पार्क, वुमेन्स डे, ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी भी लगेगा और एस भी लगेगा। फिर आपका व्हेन नाउन और टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स द पॉजिटिव केस इज फॉर्म बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस टू द लास्ट वर्ड, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीच, ठीक है। फिर द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज, द किंग ऑफ भूटान्स, तो सेवरल वर्ड्स में हम यूज करते हैं इसको। फिर आपका नेक्स्ट व्हेन टू और मोर प्रॉपर नाउन आर जॉइंड बाय एंड एंड व्हेन अ कॉमन पोजेशन इज मीन्ड द पोजेसिव केस विल बी फॉर्म बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस, लाइक अमर एंड कुमार्स हाउस इज रियली ब्यूटीफुल। ये दोनों एंड से वो हो रहे हैं, मतलब एक ही की बात हो रही है, कॉमन पोजेशन है, कॉमन है बिल्कुल, ठीक है। तो जो एंड वाला होता है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, लाइक अमर एंड कुमार्स हाउस, ओके। When there are two nouns in opposition, the possessive case will be formed by adding apostrophe s to the second noun. Like when there are two nouns in opposition, the possessive case जो होता है वो second noun के साथ use होता है. Like penicillin, Fleming discovery has saved the lives of many people. तो यहाँ पे penicillin और Fleming's discovery, ठीक है. Similarly, Mohan the professor's son is very intelligent, ठीक है. तो यहाँ पे एक interconnection होता है, ठीक है. द पॉजिटिव केस ऑफ अ कंपाउंड नाउन विल बी फॉर्म्ड बाई एडिंग एपोस्ट्रोफी टू द लास्ट वर्ड, लाइक सिस्टर इन लॉज, कमांडर इन चीफ्स ऑफिस। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव केस है कंपाउंड नाउन का विल बी फॉर्म बाई एडिंग एपोस्ट्रोफी एस टू द लास्ट वर्ड्स, सिस्टर इन लॉज हाउस, कमांडर इन चीफ्स ऑफिस, नॉट सिस्टर्स इन लॉ। सिमिलरली इफ द सिलेबल लास्ट सिलेबल ऑफ अ सिंगुलर नाउन एंड इन एस और सी ई and the noun is followed by the word sick, the possessive case of the form by apostrophe s हम लगाते हैं, मतलब कि जब कोई वर्ड s से ख़त्म हो और sick उसके बाद यूज़ हो रहा हो वर्ड तो हम फिर उसमें apostrophe लगाते हैं, like for goodness sake, for conscience sake, for Jesus sake, for justice sake, ठीक है, तो हम apostrophe s लगाते हैं। और यहाँ पे ये वाला रूल भी इंपॉर्टेंट है, apostrophe s एंड में यूज़ होता है, sisters in law, sister in laws होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे मैं आप लोगों की और ज़्यादा हेल्प कर सकूं, और रीजनिंग की वीडियो जल्दी आ रही है गाइस। और मेरा सिंपल मोटो रहता है, मेरा कोई ये नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि लाइव टेस्ट हो रहा है और ये हो रहा है, सीरियसली गाइस बिलीव मी, जब मैं अपने टाइम पर तैयारी कर रहा था मैं कभी कोई टेस्ट नहीं देता था, कुछ नहीं देता था, पर मुझे इतना वो था क्या मैं कर सकता हूँ। मैंने रीजनिंग के हार्डली 3 या 4 टेस्ट दिए, और एसएससी की बात हो रही है, बैंकिंग की रीजनिंग अलग है, उसका अलग है, उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है आप लोगों के लिए, पर एसएससी की रीजनिंग में आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होता है, आप बहुत इजीली कर सकते हो 25 में से 23 क्वेश्चन, चाहे सीएचएसएल हो, एसएससी, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीपीओ में शायद 50 क्वेश्चन होते हैं, तो आप ईजिली कर सकते हो, बट यू हैव टू बी, मतलब आपको पता होना चाहिए एक बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट्स क्या है और क्या क्या एसएससी पूछती है बेसिकली, ठीक है। तो वो वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी और बहुत इजीली आपकी रीजनिंग हो जाएगी, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। सो गाइस थैंक यू एंड बाय बाय।